बिहार हूं मैं, पहला गणतंत्र हूं। चाणक्य सा ज्ञानी, जनक सा स्वाभिमानी हूं मैं। हां बिहार हूं मैं, मिथिला की मिठास, वैशाली सा इतिहास हूं मैं। हां बिहार हूं मैं, पटना सा प्यारा, भोजपुरी सा आवारा। हां बिहार हूं मैं, छठ सा धार्मिक, विद्यापति सा मार्मिक। हां बिहार हूं मैं। आज बिहार अपना 110वां स्थापना दिवस मना रहा है। आज के ही दिन 22 मार्च 1912 को बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग होकर बिहार एक अलग राज्य बना था। इसके बाद भी बिहार का दो बार विभाजन हुआ। ১৯৩৬ में ओडिशा अलग राज्य बना, वहीं साल 2000 में झारखंड अलग राज्य बना। चलिए एक नजर बिहार के इतिहास पर डालते हैं। भगवान बुद्ध को बिहार के गया में ही ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। चंद्रगुप्त मौर्य, सम्राट अशोक, चाणक्य का संबंध बिहार से ही रहा। आर्यभट्ट सा गणितज्ञ, राजेंद्र प्रसाद सा राजनीतिज्ञ का संबंध इसी बिहार से रहा है। इसी बिहार में भगवान महावीर और भगवान बुद्ध से संबंधित कई स्थल हैं। सिखों के 10वें और अंतिम गुरु गोविंद सिंह जी का जन्म बिहार के पटना में हुआ था। जी हां, ये वही बिहार है जिसने पूरी दुनिया को गणतंत्र होना सिखाया था। महान कवि रामधारी सिंह दिनकर भी इसी धरती पर जन्मे थे। इतना ही नहीं, विश्वविख्यात नालंदा विश्वविद्यालय की भूमि भी बिहार है।